हेलो गैस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शाहिद ट्रिगर। गैस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आजकल जो है ना फेसबुक पे बहुत ज़्यादा ही रेस चल रहा है कि ओवरलाइड आईडी, ओवरलोड आईडी, ठीक है। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियोज़ भी बना रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि अभी ओवरलोड आईडी हो रही है, ओवरलाइट आईडी हो रही है, बट सारा बकवास है, ठीक है। अगर मैं आपको क्लियर शब्द में बोलूँ तो, क्योंकि अगर हम ओवरलोडेड और ओवरलाइट करते हैं अगर आईडी अपनी, तो उसमें हमें बेनिफिट्स ये होता है कि कोई बंदा हमारे प्रोफाइल को एक्सेस ना कर सके और रिपोर्ट ना कर सके, ठीक है। आप लोग इतना तो जानते हो कि ओवरलाइट और ओवरलोड का यही बेनिफिट्स है कि अगर कोई बंदा हमारे अकाउंट को रिपोर्ट मारना चाहता है, अगर किसी से हमारी दुश्मनी है और वो बंदा हमारी आईडी उड़ा देता है, तो हम अपनी अकाउंट को सिक्योर करने के लिए ओवरलाइट और ओवरलोड करते हैं, ठीक है। तो अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है, जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ आपको, स्क्रीनशॉट मैंने लिया था और मेरे भी दोस्त बोल रहे थे कि आप अपने चैनल पे भी वीडियो बनाइए कि ओवरलाइड ओवरलोड आईडी हम अपने खुद से भी करना चाहते हैं। बहुत सारे मेरे को दोस्त ने मेरे को मैसेज किया था, तो मैंने उन पर देखा, क्योंकि मैं अभी लगभग 15 दिनों से अपने चैनल पे कोई अच्छी अच्छी वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है ही नहीं अभी इसी टाइम, क्योंकि अभी जो है मैं कुछ अलग से कुछ काम कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा जो है ना पूरा पूरा दिन उसी में चला जाता है। तो मतलब कि अभी मैं आप लोगों के सामने वीडियोस भी नहीं ला पा रहा हूँ सही से, और मेरे दोस्त बोल रहे थे कि जैसे ये है ओवरलोड, ठीक है, अगर हम ऑफिशियल ऐप भी में खोले तो ये ओवरलोड कहलाती है, ठीक है, और लाइट में अगर खोले तो ऐसा करके कहलाती है, ये है ओवरलाइट, तो ये क्या है, क्यों है, कैसे करेंगे हम अपनी आईडी। तो अब मैं आपको सीधा सीधी बताता हूँ कि मैंने इस ट्रिक को देखा, ठीक है, अपने दोस्त के ही चैनल पे समझा, और जो मेरे दोस्त बोल रहे थे उसको भी देखा, तो मुझे सीधा सीधा रिजल्ट निकल आया कि यार ये कोई इसको करने का मतलब नहीं है, फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं आपको बता दूं फिर भी अगर आप ये कर लेंगे तो ब्राउज़र से आपका पूरा प्रोफाइल एक्सेस होगा, ठीक है, सारा चीज़ आपको रिपोर्ट उपोर्ट सारा चीज़ आपके अकाउंट पर लग सकती है। तो देखो, मैंने वो अकाउंट एक वीडियो देख कर और मैंने खुद से एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा किया है, ये देखो ये अकाउंट है मिकाइल, एमडी मिकाइल अंसारी नाम से, ठीक है। ये मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फेसबुक है ना ऐप्स, ये ऑफिशियल फेसबुक, इसमें ओपन कर रखा हूँ। तो अभी मैं अगर इसको मैंने कर रखा है ओवरलोड, ठीक है, जैसे कि उन लोगों ने बताया मुझे, तो ये देखो ये ओवरलोडेड है, बट ये ओवरलोडेड कुछ भी नहीं है, दरअसल ये गस कुछ टेक्निकल एरर है जैसे कि ये बता रहे, ठीक है, और ये कुछ ही देर में फिक्स हो जाएगा या कुछ ही दिन में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही फेसबुक अपडेट होगी नेक्स्ट। तो गैस अभी मैं आपको लाइट में भी दिखा देता हूँ यही आईडी में, ये देखो हो गया, ये देखो ये अकाउंट है मेरा एमडी मिकाइल, ये भी यहाँ पे मैंने ऑन कर रखा है, और करना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊँगा अगर आप करना चाहते हो तो, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि करना है, तो चलो ये वीडियोज़ में मैं ये भी बता दूँगा और बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज भी बता ही देता हूँ कि इसको ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि मतलब कि अगर आप ये करोगे तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, रिपोर्टर आपकी आईडी को फिर भी रिपोर्ट कर ही सकता है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ सिंपली ये करना कैसे। देखो, फेसबुक लाइट पे जो है ना, फेसबुक लाइट पे ओवर लाइट करने का वीडियोज़ ये है और प्रोसेस ये है कि हॉबीज़ ऐड करना है, ठीक है, बहुत सारी हॉबीज़ जो होती है वो ऐड करना है। मैं कैसे करना वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो आप फेसबुक पर आएंगे, सबसे पहले ये जो मैंने ओवरलोड कर रखा है इसको मैं डिस ओवरलोड कर देता हूँ, मतलब कि हटा देता हूँ, ठीक है। और ये देखो इसी आईडी को मैंने ब्राउज़र में ओपन किया है, तो इसका प्रोफाइल भी एक्सेस हो रहा है और इसका टाइमलाइन भी अभी एक्सेस हो रहा है। देखो अभी ये सर्चिंग ले रहा ना, अब इसको मैं ये पेज को एक बार रिफ्रेश करूँगा तो सारा चीज़ खुल के आ जाएगा, ये देखो अभी ये सारा चीज़ ऑन कर देगा, ठीक है, ये देखो हो गया ऑन। अभी सर्चिंग ले रहा था और अभी सारा चीज़ मेरी प्रोफाइल टाइमलाइन सारा चीज़ मेरा खुल गया है, अबाउट भी खुल जाएगा। अभी देखो अबाउट में ये हो रहा है ना सर्चिंग, अभी ये नहीं खुलेगा, ठीक है, और जस्ट मैं इसको पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये खुल जाएगा सारा चीज़। देखो आपके सामने मैं सारा लाइव प्रोसेस कर रहा हूँ, सारा चीज़ आपको बता रहा हूँ, एडवांटेज समझा रहा हूँ और डिसएडवांटेज समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी ये सर्चिंग हो रहा था, अभी ये खुल जाएगा सारा चीज़, ये देखो खुल गया। तो सबसे पहले मैं ये अकाउंट जो है ना ये डिस ओवरलोड और ओवरलाइट कर लेता हूँ पहले, मतलब कि जो अभी हो रखा है उसको हटा देता हूँ, उसके बाद आपको इसी आईडी को करके दिखाता हूँ कि कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आएगा, कॉन्टैक्ट इन्फो, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, ये देखो, ठीक है।
तो एडिट पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ओवरलोड का जो सिंबल है वो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता है, ताकि ये सिंबल अगर आप डालेंगे तो ऑफिशियल फेसबुक ऐप पे आपका प्रोफाइल एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ सबको। मैंने आपको ये भी करके दिखा दिया कि आफ्टर ओवरलोड हमारी आईडी ओपन हो रही है, ठीक है। तो ये देखो अब तो हमारे आईडी में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम फेसबुक ऐप्स में खोले या ब्राउज़र में खोले, अब हम ऐप्स में भी खोलेंगे तो हमारा प्रोफाइल ओपन हो जाएगा आराम से। एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं, यहाँ जाते हैं, देखो इसको एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। लॉग आउट कर लिए, लॉग इन कर लिए, ये देखो हो गया, खुल गया सारा चीज़। तो गैज़ ओवर लाइट करने के लिए, जो कि फेसबुक लाइट में कोई एक्सेस ना कर पाए हमारा अकाउंट, उसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देखो, सॉरी, ये रहा, ये जो ऑप्शन है ना एडिट पब्लिक डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जब आप ये क्लिक करेंगे और ये आपको बायो का ऑप्शन तब आएगा जब आपका फेसबुक जो ऐप्स है ना, ऑफिशियल फेसबुक ऐप, ये लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए, मतलब कि जो अभी चल रहा है ना अपग्रेड वर्जन, ये होना चाहिए। अगर आपका ओल्ड वर्जन होगा तो गूगल प्ले स्टोर से जाके आप उसको अपग्रेड कर लें, ठीक है, अपडेट कर लें मतलब कि, ठीक है, तभी आपको यहाँ पे बायो का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज आप ऐड बायो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपको सॉरी बायो का नहीं बोला मैंने, यहाँ पे हॉबीज़ का, गलती हो गई मेरे से। यहाँ पे देखो हॉबीज़ का ऑप्शन है ना, ये हॉबीज़ का ऑप्शन तब आएगा जब आपका फेसबुक अपडेट वर्ज़न होगा, ठीक है। तो आप एडिट क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सारा हॉबीज़ को चूज़ कर रखा है, सारा को चूज़ कर रखा है, देखो, ठीक है। आपको भी मतलब कि ये लाइन से आएगा, ये लाइन से हॉबीज़ आएगा, आपको टिक 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 सबके करना होगा, ठीक है। जब आप सारा टिक कर लेंगे हॉबीज़ में, उसका अगर आप सेव कर देंगे, जैसे कि ये है ना, ये देखो ऐसा ही आएगा, ऐसा आपको टिक करना। अगर आपको यानी कि ओवर लाइट हटाना है तो सबको अनटिक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे से दिखा देता हूँ नीचे, ये देखो ओवर लाइट हटाना है तो सबको अनटिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फेसबुक जो है ना लाइट पे ओवर लाइट हट जाएगा, ठीक है। अगर आपको ओवर लाइट करना है तो सब पे टिक लगा लेंगे तो ओवर लाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये करके दिखा देता हूँ, मैंने समझो कि कर लिया है, मैंने ओवर लाइट भी हटा दिया है समझो, और मैं ये ओवर लाइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी सेव पे क्लिक कर देता हूँ, तो अभी यही अकाउंट आपको लाइट में दिखाऊंगा, तो ये ओवर लाइट शो होगा, मतलब कि हमारा प्रोफाइल दिखेगा नहीं। ये देखो रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं अपनी फ़ोटोज़ पे जाता हूँ, ये रिफ़्रेश हो जाए एक सेकंड। तो गैज़ यहाँ पे देखो मैं अभी इस फ़ोटोज़ पे जाता हूँ, जो ये मेरी फ़ोटोज़ है, क्योंकि अगर इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो मैं प्रोफाइल पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई देगा कि वी आर सॉरी, मतलब कि वी हैड अ प्रॉब्लम, जो ओवरलाइट में दिखाता है, ठीक है। तो ये ओवरलाइट का मेथड तो ठीक है, ओवरलाइट अगर आप करना चाहते हो तो ये मेथड 100% वर्किंग है और ठीक है, ठीक है। ओवरलोडेड के लिए कोई मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है, अभी जो करंटली है। तो अभी आपको क्या करना है, ओवरलोड करना है तो फेसबुक पे आना है। फिर से आपको फेसबुक पे आने के बाद आपको मैं बता दूं, एडिट पब्लिक डिटेल्स पे जाना है। एडिट पब्लिक डिटेल्स पे जाने के बाद सबसे नीचे जाना है, आपको यहाँ पे लिंक्स मिलेगा, ये देखो सोशल लिंक्स, ठीक है, ये रहा लिंक्स, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 41 41 लिंक ऐड करने का बताया है अपनी वीडियोज़ में, अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियोज़ नहीं देखा है तो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा वो वीडियोज़ में मैंने आपको बहुत 41 41 सोशल लिंक ऐड करने का बताया था, ज़बरदस्त वीडियो है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ताकि उसमें मैंने सारा चीज़ डिटेल्स में बताई। देखो ये वो वीडियोज़ है, ठीक है, ये वाली सारा चीज़ मैंने इसमें डिटेल्स में बताया, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, और आई बटन में भी हो सकता है तो डाल दूँ। तो गाइज़ मैंने अभी आपको क्या बताना है, इधर से आना है फेसबुक पे, लिंक्स पे क्लिक करना है ऐड, और यहाँ पे आपको इस टाइप का कुछ खुल जाएगा। तो आपको ऐड सोशल लिंक पे क्लिक करना है ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको डालने को मिल जाएगा कि आप अपना जो है वो लिंक डालिए, जो भी हो। वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से जितना ज़्यादा करेंगे ना आपकी अकाउंट में, यानी कि उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, आप जो भी आपका अकाउंट पे आएगा और आपका अकाउंट का प्रोफाइल एक्सेस करना चाहेगा उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना आप यहाँ पे
लिंक्स डालोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा लिंक्स डाल सकते हो उतना डाल सकते हो आप, ताकि दूसरा बंदा जो आए रिपोर्ट करने के लिए तो वो जल्दी आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए और उसकी वजह से वो आपका अकाउंट पे रिपोर्ट ना लगा के पहले ही चला जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे डालना कौन सा है वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो गाइस, यहाँ पे आना है और कुछ ये देखो, ये रहा ना, इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ और कॉपी करता हूँ। अब मैं टैक्स रिपीटर में जाता हूँ, ठीक है। टैक्स रिपीटर में आपको आना, मैं इतना जो है ना लिंक दे वो सिंबल दे दूँगा वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है। तो जो कॉपी किया हमने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे हमें लिख देना है 50, ठीक है। यहाँ पे हमें जस्ट 50 लिखना है, उसका जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे जनरेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नीचे, इसको हमें कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है गैस। मैं आपको हर चीज़ बारी बारी से बता रहा हूँ, ए टू जेड बता रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, बेनिफिट डिसएडवांटेज दोनों बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, आपकी मर्जी, आप जो करना चाहो कर सकते हो। मेरा मोटिव यही था, मेरा मतलब यही था वीडियो बनाने का, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट फिर भी मेरे दोस्त लोगों की रिक्वेस्ट के लिए हमने ये वीडियो सोचा कि चलो बना देते हैं, आप लोगों को समझा देते हैं क्लियर भाषा में। तो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था अभी यहाँ पर ला के हमें पेस्ट करना है वो, ठीक है। जैसे कि एक कर दिया, दो कर दिया, तीन कर दिया, चार कर दिया, ऐसे करके मैं सारा मतलब कि 15-20 कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे अगर आप 6, 7, 8, 9, 10 भी करेंगे तो आपका अकाउंट ओवरलोड फेसबुक ऑफिशियल फेसबुक पे शो करेगा, ठीक है। तो मैं करके उसका वीडियो ऑन करता हूँ। तो गैज़ मैंने यहाँ पे जो है ना 25 बारी डाल दिया है, ठीक है। ये जो है ये 25 बारी मैंने डाल दिया है, 25 बार मतलब कि लिंक्स लेकर ऐड करके उसके बाद मैंने ये 25 बारी डाल दिया है। आप यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, व्हाट्सएप, ट्विटर, कुछ भी एनीथिंग। जैसे कि इसमें बहुत सारा ऑप्शन आता है, ये देखो, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, ट्विस्ट, व्हाट्सएप, लाइन, वीचैट, कि आप इसमें से कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट इंस्टाग्राम ही सबको रहने देता हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड है। आपको ये करने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेव कर देना है, ठीक है। तो ये जस्ट कुछ ही सेकंड में सेव हो जाएगा, हाईएस्ट अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा लोडिंग करने में सारा सिंबल को। तो जस्ट मैं वेट करता हूँ, अभी 8:49 हो चुका है, आप ऊपर में टाइम भी देख सकते हो, ये हो भी गया, देख लो ये सारा जो है ना वो ऐड हो गया, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम अपना फेसबुक क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, एक मिनट, रिफ्रेश करने के बाद अभी हम जाएंगे तो हमारा अभी ओवरलोड शो नहीं होगा, देखो ये हमारा एक्सेस हो पा रहा है। तो अभी हम इसको लॉग आउट करते हैं, ठीक है। जैसे ही लॉग आउट करेंगे हम इसका डेटा भी क्लियर कर देते हैं। तो गैस अभी हमने डेटा सारा क्लियर कर दिया है, ठीक है। अभी हम फिर से फेसबुक ऐप पे जाते हैं और यही आईडी लॉगिन करते हैं, ठीक है अपनी। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं नेम पर, तो हमारी आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब हम अगर फ़ोटो पे जाएंगे तो हमारा ये ओवरलोडेड शो होगा, ठीक है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये ओवरलोडेड शो हो रहा है। अगर हम यहाँ से भी जाएंगे तो ओवरलोडेड ही शो होगा, ऐसा ही शो होगा, ये देख लो, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ पे सिर्फ इसका बेनिफिट्स ये है कि आपको ऑफिशियल फेसबुक ऐप में ओवरलोडेड शो होगा और फेसबुक लाइट में ओवरलाइट शो होगा, ठीक है। अगर हम इसी अकाउंट को जाएंगे और ब्राउज़र से देखेंगे तो ये हम इस अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो प्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब ये देखो सारा चीज़ खुल गया ना, ये देखो हमारा फ़ोटोज़ भी खुल गया, सारा चीज़ खुल गया। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा था कि यार देखो, काम वैसा करो जो आपको फ़ायदा हो, काम ऐसा ना करो जो आपको करने के बावजूद भी फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो सिंपल भाषा में मैं बोलूँ तो मेरा मोटिव यही था कि आप लोगों को समझा देना, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। मैंने देखा बहुत सारी वीडियोज़ और वीडियो सही है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गलत है, बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत बोल रहे हैं, मैंने ये नहीं बोला अभी तक, ठीक है। वीडियोस में मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका बेनिफिट्स
तब होना चाहिए जब अगर हमारा अकाउंट कहीं पे भी एक्सेस ना हो तो हम इसको फुल ओवरलोडेड और लाइट मान सकते थे और स्ट्रांग बोल सकते थे। बट मैं अभी बोलूँगा कि एवरेज है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो आप पे डिपेंड करता है। तो ठीक है, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और अगर आपका कोई और टॉपिक है तो इंशाल्लाह मैं जल्दी फ्री होकर उन सब टॉपिक पर वीडियोज़ बनाऊँगा, कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना अगर नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब को। ठीक है भाई।